नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ऑफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर, ये हमारा रेट एनालिसिस सीरीज का 10वां वीडियो है। इसमें हम देखने वाले हैं कि बिल्डिंग में जो लगने वाले स्टोन नेचुरल स्टोन्स है, कड़प्पा है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, इसका रेट एनालिसिस कैसे करते हैं। अभी स्टोन का ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे किचन होता है, राइजर ट्रेड है, जैसे स्टेयर केस में राइजर और ट्रेड है, वहाँ इसका इस्तेमाल होता है, तो उसका रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, उसमें आइटम डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम रेट एनालिसिस करते हैं, तो कैसे करते हैं उसका डिटेल जानने के लिए ये वीडियो देखते हैं। आज हम रेट एनालिसिस ऑफ स्टोन वर्क्स, जो नेचुरल स्टोन्स रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक रेट्स, मटेरियल, यूनिट, रेट एज्यूम। सीमेंट का हमने 320 रुपीज पर बैग एज्यूम किया, सैंड का 2473.50 क्यूबिक मीटर, जैसे 7000 रुपये पर ब्रास। सदर अली ग्रेनाइट फ्रेम्ड, सदर अली ग्रे ग्रेनाइट स्टोन, इसका हमने रेट एज्यूम किया 2422 रुपये पर स्क्वायर मीटर, और 30 mm सदर अली ग्रे ग्रेनाइट स्टोन का है 1561 रुपये पर स्क्वायर मीटर। कलर सीमेंट या फिर व्हाइट सीमेंट हम बोलेंगे 35 रुपीज पर केजी। इसका जब हम रेट एनालिसिस करते हैं टाइल्स का, स्टोन्स का, तो उसमें हम लोगों को कुछ वेस्टेजेस कंसिडर करना पड़ता है। जो एक वो जो वेस्टेजेस मतलब टाइल्स का हो, स्टोन्स का हो, कितना हम लोग कटिंग करते समय जितना एक्स्ट्रा जाता है, वेस्टेज होता है, तो वो हमको कंसिडर करना रेट एनालिसिस में। अभी वो हम देखेंगे कैसा, कितना टाइल्स का है, कितना स्टोन्स का, कितना वेस्टेज है। सिरेमिक टाइल्स का 5%, डैडो के लिए हम यूज करते हैं उसको 8%, विट्रीफाइड टाइल का 5%, वही डैडो के लिए करते तो 8%, ग्रेनाइट का 10%, कोटा मशीन कट और मशीन पॉलिश है तो 5%, साइट के ऊपर अगर ड्रेसिंग करना है तो 20%, मार्बल है तो 15%। तो ये वेस्टेज हमको कंसिडर करना रेट एनालिसिस। अभी हम पहला आइटम है ग्रेनाइट स्टोन और प्लेटफॉर्म, इसमें क्या दिया है, ये जो स्टोन का जो रेट एनालिसिस करते हैं तो उस समय अपने को जो आइटम डिस्क्रिप्शन है वो ठीक से अपने को पढ़ना चाहिए, उसमें क्या क्या मेंशन है, कौन कौन सा आइटम क्या है, एग्जैक्ट क्या करना है, तो स्टेप बाय स्टेप उसके हिसाब से एनालिसिस करना है। अभी इसमें मेंशन क्या है उन्होंने, फ्लेम्ड फिनिश सदर अली ग्रे ग्रेनाइट स्टोन बुल नोज का 1200x660 mm का प्लेटफॉर्म, इसके बाद उसमें एडेजिव वगैरह ऐड करना है, 20 mm का मॉड थिकनेस है, मतलब बेस है सीमेंट मॉटर का 1:4 का, उसके बाद इसमें वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर है, इसके बाद व्हाइट सीमेंट है, कलर पिगमेंट है। इसमें जो जो आइटम्स है वो अपने को आइटम ठीक से पढ़ने के बाद अपने को सब समझ में आना, पॉलीसल्फाइड सीलेंट है, कॉम्प्रेसिव फिलर है, ये सब अपने को ध्यान में रखना है। अभी फ्लेम्ड फिनिश ग्रे ग्रेनाइट स्टोन, इसका हमने क्या किया, सबसे 3 पार्टियों से हमने कोटेशन लिया, ए बी सी डी, मान लो 4 पार्टियों से सर, तो ए से 3067 आया, बी से 3000 आया, सी से 3575 आया, डी से 2422 आया, तो लोएस्ट जो है हम कंसिडर करते हैं 2422 आया। अभी एरिया स्क्वायर मीटर, ये देखिए अभी इसमें कैसा है, ये जो टोटल 10.5 कैसे आ गया, ये 3 मीटर 3.5 मीटर का है, ये 3 मीटर का है और ये 0.060 है, तो उसके हिसाब से हमने ये निकाला है 10.5 एफ इंटू जी, 3.5 × 3 एरिया, तो जो लॉन्जिट्यूडनल 1200 का है और जॉइंट 600 का है, तो इसमें 3 मीटर कैसे किया, ये जो 3.5 है डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 1, इसमें भी ये जी 3 मीटर डिवाइडेड बाय 600 का है, 600 प्लस 1, तो उसके हिसाब से हमने ये कर दिया, तो ये टोटल आ गया अपना रनिंग मीटर 12 रनिंग मीटर, 21 रनिंग मीटर, ये जॉइंट का हमने लेंथ निकाला। तो जॉइंट लेंथ पर स्क्वायर मीटर हम कैसे निकालेंगे उसके हिसाब से ये देखिए, इसमें ये 33 टोटल आ गया डिवाइडेड बाय ई 35, मतलब ये टोटल लेंथ 10.5 स्क्वायर मीटर, तो उसके हिसाब से हमने टोटल लेंथ भी निकाल दिया। अभी हम लोग अभी रेट एनालिसिस पर 1 स्क्वायर मीटर करेंगे, 1 मीटर
वन स्क्वायर मीटर वन मीटर विड्थ। फ्लेम्ड ग्रेनाइट जो है 1.2 by 0.6 by 0.6 एक क्वांटिटी, उसका रेट है 2422, 10% वेस्टेज पकड़ा। अभी सीमेंट कैसे पकड़ा है, 0.02 20 mm का ये है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1.54 इंटू 1440 डिवाइडेड बाय 50, इसके हिसाब से सीमेंट निकाला। सैंड कितना, तो 1:4 है तो इंटू 4 कर दिया तो सैंड का भी आ गया 5 mm थिक बेड लाइन। तो ये कैसे आ गया, इसमें देखिए 1 × 10 मतलब स्क्वायर फीट, 1 square meter 1 × 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से डिवाइडेड बाय 3.5, ये ऊपर का 3.5, इसके हिसाब से कितना आ गया, ये इतना केजी आ गया, तो 60 rupees रेट। और व्हाइट सीमेंट का कितना आ गया, 4 mm थिकनेस है, बाद में 60 mm इसका थिकनेस है और 1440 इसका एच 41, मतलब ये जॉइंट लेंथ है ना, 3.12 × 0.004 4 mm इंटू 60 mm थिकनेस उसका, और ये अपना आ गया 1440 डेंसिटी, तो उसके हिसाब से 1.08 की जाएगा, तो 35 रुपये होगा। सल्फाइड सीलेंट का 125 रुपये पकड़ा है और कटिंग फिक्सिंग लेबर का हमने 80 रुपीज़ पकड़ा, 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, मतलब 861 रुपये पर स्क्वायर मीटर। इसमें फ्लेम फिनिश मटेरियल में ही इंक्लूड है, बोल नोजिंग का 115 रुपये पर 35 रुपीज़ पर फीट होता है, वो 35 के हिसाब से 115 रुपये पर रनिंग मीटर आ गया, ये टोटल आ गया 115। अभी टोटल आ गया 4105, ओवरहेड प्रॉफिट 15% ऐड किया तो 616, और टोटल आ गया 4721 रुपीज। इसमें ध्यान में रखिए आइटम डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हमने क्या किया, तो उसका एरिया जो है वो निकाला, उसके बाद उसमें जॉइंट का कितना लेंथ निकाला वो निकाला, उसके बाद स्टोन सीमेंट सैंड वो एडेसिव्स व्हाइट सीमेंट पॉलिश अल्पाइन सीमेंट लेबर बोल लूजिंग का निकाला, फिर ओवरहेड प्रॉफिट और टोटल रेट निकाल के 4721 रुपये निकाला। अभी नेक्स्ट है ग्रेनाइट फॉर स्टेयर केस। इसमें कैसा है, 30 mm थिक फ्लेम्ड ग्रेनाइट ग्रे ग्रेनाइट स्टोन फ्लोरिंग इन ट्रेड्स एंड लैंडिंग्स, मतलब इसमें स्टेयर केस में हम जब ग्रेनाइट लगाते हैं उसके बारे में भी है। तो इसमें मोटर है 20 mm 1:4, इसके हिसाब से पूरा व्हाइट कलर सब दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। तो ये देखिए 30 mm ग्रेनाइट का रेट हमने लिया ए बी सी डी चार पार्टी से 2260 3350 2002 1561, लोएस्ट है 1561। तो रेट एनवेस 1 square meter दे रहे। ट्रेड का साइज हमने 0.30 है, राइजर का 0.15 है, लैंडिंग 1 meter है, लेंथ हमने 3 meter कंसिडर किया, 3 meter 3 meter, टोटल 9 number है। क्वांटिटी कितना आ गया, डी मतलब 8 square meter आ गया। प्रपोर्शन कितना आ गया, प्रपोर्शन बोले तो ये जो है मतलब G69 डिवाइडेड बाय G72 मतलब टोटल में से प्रपोर्शन निकाला, तो ट्रेड का सर 57 और लैंडिंग का 47 और राइजर का सेपरेट देगा। तो इसमें फ्लेम ग्रेनाइट का रेट है 1561, वेस्टेज 10%, सीमेंट का 0.02 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1.54 इंटू 1440 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 1.1, सैंड का 1:4 है तो जो सीमेंट का इसको इंटू 4 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1440 सैंड का रेट इधर आ गया। सीमेंट स्लरी, स्लरी अभी 4 kg पर बैग रहता है, 4 kg पकड़ा है तो 4D67 मतलब इधर आपने वो ये देखिए 1 × 4 4 kg स्लरी पकड़ा कंसिडर किया है डिवाइडेड बाय 50, तो उसके तो बैग में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 50 किया, बैग 320 26 रुपये, कलर सीमेंट का 35 रुपये, कटिंग फिक्सिंग का हमने 65 रुपये कंसिडर किया, 65 × 10.764 = 699.66। और इसके बाद बोल नोजिंग का, बोल नोजिंग का कैसे निकाला, 1 × D बोल नोजिंग का हमने कैसे निकाला, 0.3 है इंटू 1 डिवाइडेड बाय फिर से 0.3, इसके हिसाब से बोल नोजिंग का निकाला 1 meter और रेट इसका 30 रुपये पकड़ा है, 30 × पर फीट तो 30 × 3.28 98 पर 1 meter। ग्रूव कटिंग सेम,
उसका रेट पकड़ा है हमने 3 रुपये, इसका टोटल आ गया अपने को, तीन है तो 5 × 3.28 = 49, तो क्लीनिंग का 10 रुपये, एड 14-15% ओवर प्रॉफिट, तो 435 है टोटल रेट आ गया अपना 3,335 पर स्क्वायर मीटर। इस हिसाब से हमने ये स्टेयर केस का भी निकाला। मेनली अपने को आइटम डिटेल पढ़ना है, उसमें क्या क्या लगता है उसका डिटेल एक 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 करके स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करना है। ये आपको समझ में आ जाएगा ऐसी आशा करता हूँ। फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आपने देखा ये नेचुरल स्टोन्स जो भी बिल्डिंग में लगते हैं, किचन उठाओ, स्टेयर केस का राइजर हो, ट्रेड हो, उसका रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, उसका कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।